Hello students, let us continue with the topic inverse trigonometric functions. मैंने जो इसके पहले दो वीडियोस डाले थे उसमें ये सारी principal branch and the domain of these inverse functions we have already discussed. Now using this इसको use करना है हमने और reference के लिए इसको मैंने यहाँ रखा है, लिख के रखा, ताकि तुम लोग भी इसको relate कर पाओ कि how do we apply या how do we find the properties, write the properties related with inverse functions. So first is when we say sine of sine inverse x, sine of sine inverse x, this will be equals to x. अब क्या हर एक के लिए होगा ये x? तो now you should see. साइन इनवर्स एक्स लिखा मैंने, दैट मीन्स एक्स शुड बी, एक्स की हमने डोमेन जो लिखी थी, क्या लिखी थी डोमेन, कि एक्स शुड बी बिटवीन फ्रॉम सॉरी माइनस वन टू वन, एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन तक होनी चाहिए. देन इसी तरह से इफ वी राइट कॉस कॉस इनवर्स एक्स, सो अगेन एक्स शुड बी इन द डोमेन, करस्पॉन्डिंग डोमेन. ऐसे ही टैन के लिए है एंड बाकी रेशियोज के लिए भी. सो सिंपली वी हैव टू राइट इट इक्वल टू एक्स, तो वो मैं अभी नहीं लिख रही हूं. बस ये ध्यान रखना है कि व्हेनेवर वी आर राइटिंग कॉस और कॉस इनवर्स को कभी भी ऐसे इनिशियली गलती जैसे इस तरह की हो जाती है ऐसे नहीं कैंसिल करना, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग वे टू डू इट. बस तुम लोगों ने ये ध्यान रखना है कि whenever it is cos and cos inverse, the result is written as x, but never show the cancellation sign there. Now, similar way, so I'm writing similarly for other ratios. And remember, यहाँ पे जब लिखेंगे तो similarly for other ratios in their corresponding domain. Then the second property is, it is sine inverse sine x, this is equals to x. क्या ये हर बार होगा? ये हमने ध्यान रखना है. अब यहां पे जो हमने लिखा है तो साइन के बाद लिखा है, तो ये यहां पर हमने लिखना है when x is in the principal branch. प्रिंसिपल ब्रांच में होना चाहिए. जैसे एग्जाम्पल हमने लिया साइन इनवर्स साइन पाई बाय थ्री. अब तुमने देखना है साइन इधर पाई बाय थ्री, पाई बाय थ्री इज इन प्रिंसिपल ब्रांच और नॉट, तो पाई बाय थ्री हमने देखना है. प्रिंसिपल ब्रांच यहां लिखे मैंने, तो माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू इसके बीच में आ गया ये. सो दैट मीन्स नाउ यू विल राइट द आंसर डायरेक्टली एज पाई बाय थ्री. लेकिन अगर कभी ऐसे आ जाए साइन इनवर्स साइन टू पाई बाय थ्री, तो ऐसे नहीं कि बस लिखा है हमने तुमने आंसर लिख दिया इसका टू पाई बाय थ्री. तुमने देखना टू पाई बाय थ्री, टू पाई बाय थ्री इज नॉट विद इन दिस प्रिंसिपल ब्रांच, इस ब्रांच में नहीं एग्जिस्ट कर रहा है. सो यू शुड नॉट राइट इट एज टू पाई बाय थ्री. फिर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. कैसे सिंप्लीफाई करना है हमने, तो साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 को यू कैन राइट पाई माइनस पाई बाय 3, इस तरह से हमने एक्सप्रेस किया. सो नाउ इट इज साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा. सो इन 11th क्लास वी हैव डन साइन पाई माइनस थीटा, it goes to the second quadrant, so it will be written as sine theta. So yahan pe this will be sine pi by 3. So now you can see this pi by 3 is in the principal branch. So now we write the answer for this as pi by 3. Got it? Now ek cheez tum log kar sakte ho, jab main kuch questions yahan kara rahi hu, saath saath tum log apni notebook leke usme bhi practice karte jao, ताकि हम लोग
ज्यादा प्रैक्टिस होगी और मैथ्स एज यू नो जितना प्रैक्टिस होगी उतना ही परफेक्शन आएगा. नाउ नेक्स्ट वन, नाउ फर्स्ट वन आई हैव रिटन साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, लेकिन एक्स शुड बी इन द प्रिंसिपल ब्रांच. नाउ सेम वे वी टेक अनदर प्रॉपर्टी, cos inverse of cos x should be equals to x when x is in principal branch. तो cos inverse की principal branch क्या है? 0 to pi. Now similar tan inverse tan x is equals to x. इसके लिए भी सेम चीज आ गई. देन कोसेकेंट इनवर्स कोसेकेंट एक्स, दिस इज एक्स. सेम वे इसके लिए भी सेकेंट इनवर्स सेकेंट एक्स, दिस इज एक्स. एंड कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स. रिमेंबर दैट दे शुड बी एक्स शुड बी इन देयर प्रिंसिपल ब्रांच. Now the next one. अब हमें जितने फॉर्मूले साइन कॉस टैन के पता होते हैं उतने हमें कोसेकेंट सेकेंट और कॉट के नहीं पता होते. तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हमारा क्वेश्चन कोसेकेंट इनवर्स में आ गया, हमने कहा कोसेकेंट के तो फॉर्मूले इतने याद ही नहीं है, तो इसके लिए बेस्ट है कि हम उसको चेंज कर लेते हैं साइन इनवर्स वन ओवर एक्स. एंड रिमेंबर एक्स की वैल्यू कहां एग्जिस्ट करती है? इट बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस वन टू वन. देन इसी तरह से सीकेंट इनवर्स का क्वेश्चन आ जाए तो सीकेंट इनवर्स के क्वेश्चन को भी हमने चेंज कर देना है कॉस इनवर्स, क्योंकि अगर तुम लोगों से पूछेंगे तो कॉस के फॉर्मूले तुम्हें थोड़े ज्यादा पता होंगे इंस्टेड ऑफ सीकेंट के. तो हमने उसको कॉस में चेंज कर दिया कॉस इनवर्स में. अगेन एक्स शुड बी फ्रॉम वैल्यूज ऑफ द डोमेन. देन अगर कॉट इनवर्स का क्वेश्चन आ जाए तो उसको हमने चेंज कर देना है टैन इनवर्स वन ओवर एक्स. इस पार्ट के लिए याद रखना है एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो. सो Using these concepts, we will continue in the next video. जो भी इसके doubts हैं, वो भी तुम लोग इकट्ठे करके रख सकते हो. उसका हो सकता है next video में जो हम करेंगे, तो it will be clear. Thank you, students, and keep watching.